से सपोज हम एक बर्ड बना रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ एक तो आपको छोटी सी बर्ड बना के दिखा देता हूँ। उसमें क्या होता है, देखो जैसे मान लो मैंने इस तरीके से पेंसिल चलाना स्टार्ट किया बच्चे, ठीक है, उसमें कोई शेप नहीं होता, हमें सिर्फ पेंसिल को मूव करवाना होता है। ये देखो पेंसिल चल रही है, ठीक है, धीरे धीरे हम पेंसिल को चला रहे हैं, हम इसमें फास्ट वर्क नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से हमें पेंसिल को चलाना होता है, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं है हमें, ठीक है, ये वाला हमें उसकी शेप हमें क्या कर रहे हैं, एक बर्ड बना रहे हैं। तो बर्ड का जैसे मान लो पिक का पोर्शन होता है, वो पोर्शन हमने यहाँ से निकालना स्टार्ट किया इस तरीके से, ठीक है। इसी के अंदर जैसे मान लो हम स्लो वर्क करते हैं, जैसे आईज के अंदर, जैसे मान लो सपोज ये हमारी आईज है, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक सर्कल और लगाया, इन चीजों को हम थोड़ा सा स्लो कहते हैं। जैसे मान लो ये हमने लाइन लगाना स्टार्ट किया इस तरीके से, ये हो गया, ठीक है, यहाँ से ये, इसमें फ्री लाइन चलती है बेटा। ये देखो कोई इसमें वो नहीं है कि इरेजर का हमें नीड है, लाइनिंग जो है वो फ्रीली लाइन चल रही है, ठीक है। ये देखो इस तरीके से हम इसके अंदर लाइनिंग लगा रहे हैं, वो ज्यादा लाइनिंग भी नहीं लगाने की जरूरत, जहां पे रिक्वायर्ड है सिर्फ उसी पोजिशन पे हमें लाइनिंग की जरूरत होती है। देखो कुछ एक लाइनिंग है, लाइन से बाहर देखो इधर, जैसे मान लो ये बाहर निकल रहा है, डजंट मैटर, हमारा जो मेन पर्पज होता है उसकी शेडिंग को निकालना होता है, कि किस तरीके से हम एक ऑब्जेक्ट को, एक ऑब्जेक्ट के अंदर हम शेडिंग किस तरीके से करते हैं, ठीक है। हमें जो पोर्शन हमारे, जो लाइन हमारी फाइनल हो जाती है, ठीक है, उस लाइन पे हम क्या करते हैं, डार्क चला देते हैं, थोड़ा सा पेंसिल का जो वर्क है वो थोड़ा सा डार्क कर देंगे, ठीक है। ये देखो इस तरीके से, मान लो इसका लेग है, तो लेग के अंदर इस तरीके से लाइनिंग निकाल दी, ये फर्दर जो लेग है वो उसको इस तरीके से निकालना है। इसके अंदर कोई प्रॉपर ड्रॉ नहीं करना पड़ता चीजों को, सिर्फ हल्की हल्की पेंसिल चलाते हैं, फिगर अपने आप ही निकल जाता है। इसमें से लाइनिंग देखो किस तरीके से लाइनिंग है, जहां पे बनाना है चीज को उसको थोड़ा सा डार्क कर दिया, ठीक है। जैसे ही हम उसको थोड़ा सा डार्क करते हैं, वो हमारा ऑब्जेक्ट निकलना स्टार्ट हो जाता है। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, एक दूसरा फेस लेते हैं, उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, सपोज हमारा एक हमल का फेस बना रहे हैं, उसके लिए भी हमें क्या कर रहे हैं, देखो इस तरीके से हमने लाइनिंग लगाना स्टार्ट किया, ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन में इस तरीके से हमने लाइनिंग लगाना स्टार्ट किया। देखो मैं एक, ठीक है, देखो हमने एक बर्ड बनाया, अभी हम एक एनिमल का फेस बना के दिखा रहे हैं आपको कि एक एनिमल किस तरीके से बनता है। देखो सपोज मैं एक शिप का फेस बना के दिखा रहा हूँ, उसमें क्या करना है हमें, देखो मैंने इस तरीके से देखो लाइनिंग लगाना स्टार्ट किया, ठीक है, मान लो इस तरीके से उसका फेस बनता है, इसमें लाइनिंग लगाना स्टार्ट किया, ये उसके जैसे सींग निकालना स्टार्ट किया, तो इस तरीके से हमें सिर्फ लाइनिंग लगानी है, ठीक है। जैसे धीरे धीरे हम लाइनिंग निकालते रहेंगे, वो चीजें हमारी बननी स्टार्ट हो जाएंगी, और इसमें ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ आपको क्या है उसकी शेप का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि किस तरीके की उस ऑब्जेक्ट की जो हमारी है वो शेड है। देखो थोड़ा सा स्लो करके दिखा रहा हूँ, स्लो में क्या करना है, जैसे मान लो हमें उसका सबसे पहला उसका फ्रंट, जैसे ये नोज का पोजिशन है, ठीक है, देखो ये नोज का पोजिशन है, ये आप हल्का सा ड्रॉ कर सकते हो नोज का पोजिशन, फिर स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के बाद यहाँ से हमने लगाया ये थोड़ा सा इस साइड, इसका जो माउथ का पोजीशन है ये देखो, ये गया माउथ का पोजीशन। इन चीजों को आप हल्का सा डार्क ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और जितनी भी फर्दर लाइन जो चलेंगी इसके सराउंडिंग में, वो आपकी जो लाइन है वो लाइन आपकी रफली चलेंगी। जैसे मान लो आपको इसकी आईज निकालनी है, तो आईज के लिए आपको थोड़ा सा स्लो वर्क करना पड़ेगा। ये देखो इस तरीके से हल्की सी इसकी जो आईज है वो ये निकाली हमने, ठीक है। अब अपोजिट भी इसी की डायरेक्शन में देखना है कि साफ इसी के साइड में यहाँ जो इसकी है वो दूसरी आईज बनेगी, तो आईज के लिए क्या करना है आपको, थोड़ा सा डार्क स्ट्रोक लगा देना है, ठीक है, हल्का सा डार्क स्ट्रोक लगाया और इसको इस तरीके से हमने फिल कर दिया, ठीक है। अब इसमें लाइनिंग जो है वो देखो इधर, ये इस डायरेक्शन में हमने लाइनिंग लगाना स्टार्ट किया, ठीक है। यहाँ से जो जो चीजें हैं आपको रखनी, जैसे मान लो अब इसका सिंग है ये दिखाई दे रहा है, तो इसको यहाँ से हमें थोड़ा सा प्रेस करना है, इस तरीके से लाइनिंग लगानी है, ठीक है। ऐसे ऐसे लाइनिंग लगाते रहोगे आप फिगर के अकॉर्डिंग, जैसे मान लो यहाँ लाइन लगाई, जहां पे आपको लगता है कि उसमें डार्क शेड की जरूरत है, ठीक है, जो डिटेलिंग देनी है, तो वहां पे आपका थोड़ा सा डार्क शेड हो जाएगा। अब जैसे इसके कान का पोर्शन है, तो यहाँ से हल्की सी ऐसे लाइनिंग हमने थोड़ा सा डार्क कर देना है, ठीक है, लाइन के साथ साथ इसमें लाइनिंग चलेंगी इस तरीके से भी। इसमें भी यही सेम प्रोसेस रहेगा कि हमें लाइनिंग ऐसे निकालनी है, इसमें कोई ज्यादा आपको डिटेलिंग करने का वो नहीं है कि आप बहुत ज्यादा उसको डिटेलिंग करेंगे, इस तरीके से आप लाइनिंग लगाएंगे ये, ठीक है। लाइन के साथ साथ उसमें पेंसिल चलती रहेगी, आप चीजों को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे कि किस तरीके से उसकी शेप बनी हुई है, सिर्फ आपको उसकी छोटी छोटी जो शेप्स की जो लाइनिंग है बस वो ध्यान रखनी है, बाकी जो चीज है वो आप अपने साइड से
बनाएंगे। देखो इधर ये इसमें फेस में देखो धीरे धीरे हमने, ये सिर्फ लाइनिंग है और कुछ नहीं है, सिर्फ लाइनिंग का ही प्रोसेस होता है कि किस तरीके से हम उसमें लाइनिंग निकालते हैं। देखो स्क्रिबलिंग में जो है लाइन धीरे धीरे ऑब्जेक्ट के साथ, जिस ऑब्जेक्ट को हमें थोड़ा सा हाईलाइट करना है उसके साथ का जो पोर्शन है वो थोड़ा सा डार्क निकालना स्टार्ट कर दिया, और जो लाइनिंग है वो देखो किस तरीके से लाइनिंग उसमें बनाई जा रही है, ऐसे ऐसे हमें उसमें लाइनिंग बनाना है। क्या धीरे धीरे आप उसके बॉडी के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, जैसे मान लो इसके बॉडी का स्ट्रक्चर इस साइड जाएगा तो हमें ये लाइन लगाना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको? ठीक है, अभी जैसे मान लो सपोज हम एक फेस और बना रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से हमने बर्ड का निकाल के देखा। देखो एनिमल में क्या होता है, पहले फ्रंट ये, फिर आईज के लिए और ये वाली चीज, इनको ध्यान में रखना है कि किस तरीके से उसमें लाइनिंग हमारी चली है, और उसके बाद जैसे जो भी इसकी स्ट्रक्चर की शेप होती है उसमें आप हल्का सा डार्क लाइन, जैसे मैंने अभी डार्क किया है तो इस तरीके से जो जो लाइन मेन होती है उसको हम थोड़ा सा डार्क शेड दे देते हैं। अभी जैसे मान लो एक फेस का आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से हम एक फेस बना सकते हैं, इसी तरीके से सपोज हमने क्या किया, देखो ये फेस का फोरहेड है, यहाँ पे हमने फोरहेड के लिए लाइन लगाई, ठीक है, फिर जैसे मान लो ये उसके जो एनक है वो बनाया, ये देखो ये इस तरीके से लाइनिंग लग रही है, ठीक है, उसमें सिर्फ सराउंडिंग शेप बनानी है हमें, ये जो सराउंडिंग शेप उसके जैसे गॉगल्स के लिए चली, इन लाइनों को हमने निकाला, ठीक है, ये लाइन पीछे की साइड, यहाँ पे जैसे मान लो सपोज ये कान का पोजीशन है, इस तरीके से हम उसको एक पोर्ट्रेट भी बना सकते हैं। आपको ये जो चीज़ें हैं बहुत ईजीली, जैसे मान लो यहाँ से हमने थोड़ा थोड़ा इसका हेयर निकालना स्टार्ट किया इस तरीके से, ठीक है, यहाँ हल्का सा हेयर का पोजीशन जैसे डार्क रहेगा तो उसमें ये डार्क पोजीशन इसके अंदर की लाइन है वो जैसे, ये देखो बेटा, ठीक है, आईज के लिए सिंपल ये लाइन, ये दो लाइनें हैं, ठीक है, नोज के लिए यहाँ से लिया ये नोज का पोजीशन, ठीक है, लाइनिंग लगाओ, ये नोज का पोजीशन हो गया, जो लाइन फाइनल करनी है वो लाइन, अब जैसे इसकी मूछें बनानी है तो यहाँ से हमने लाइन लगाई दोनों साइड, ठीक है, ये स्क्रिबलिंग में इस तरीके के जो फिगर हैं वो ज़्यादा लिए जाते हैं, ठीक है, ये जैसे इसके दाढ़ी का पोजीशन बन गया, जो लाइन फाइनल है उसको आप थोड़ा सा प्रेस करके चला दोगे। अब जैसे इसके हेयर का पोजीशन है तो हेयर के पोजीशन के लिए भी इसी तरीके से आपको लाइन लगाना है, यहाँ से रखा थोड़ा सा ऊपर की साइड लिया, थोड़ा सा स्क्रिबलिंग किया, ठीक है, थोड़ा ऊपर लिया, जैसे इसके आईब्रो बनाना है तो आईब्रो के लिए भी ये सिंपल शेप्स लगानी है आपको, ऐसे इस तरीके से लाइनिंग लगाएंगे, ठीक है, बालों का पीछे का पोजीशन है वो ऐसे चलेगा कि इस तरीके से इसके थोड़े थोड़े बाल निकलते रहे। कोई भी आपको फिगर बनाना है तो उसमें जो पेंसिल जो चलाने का मेन तरीका है वही हमारा मैटर करता है कि हमारी क्या चीज निकलेगी। इस तरीके से आपको चीजें निकालनी है। देखो मैंने आपको फेस भी बताया कि कैसे बनाना है, बर्ड भी बताया है कैसे बनाना है, तो इस तरीके से आपको जो फिगर है वो बनाने, जो लाइन आपको लगता है कि मेरी फाइनल है उसको आप इस तरीके से थोड़ा थोड़ा हाईलाइट करेंगे, ठीक है, हाईलाइट कर देंगे कि जो लाइन हमारी फाइनल होगी उसको हमने हाईलाइट कर दिया। अंडरस्टूड? यस बेटा, ठीक है, बट हमारा जो मेन पर्पज है वो बच्चे क्या है, हमें प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, चीजों को बनाने की प्रैक्टिस करनी है हमें कि हम फिगर को किस तरीके से निकाल सकते हैं। मेन टारगेट हमारा जो है वो प्रैक्टिस का है, ठीक है, ये नहीं है कि सर ने ये बोला है तो यही हमें बना के दिखाना है, मेन प्रैक्टिस, ठीक है। स्क्रिबलिंग हमारा जो आज का टॉपिक है स्क्रिबलिंग है, और हमें प्रैक्टिस करनी है चीजों को बनाने की कि किस तरीके से हमारी जो चीजें हैं वो बनती हैं, ठीक है, मेन टारगेट हमारा